बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ब्रंच टॉक में खुश आमदीद। और देख तो आपने लिया है कि आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं अपनी एक ऐसी मेहमान शख्सियत से जिन्हें ये एजाज़ हासिल रहा कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिसे कहने के रूरल पंजाब जो है उसके सदर है, और 2018 के इलेक्शंस में इन्होंने हिस्सा लिया और अब MD बैतुल माल हैं। मलिक ज़हीर अब्बास खोकर साहब से आज हम मिलने आए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया हमें। जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर मेहमान नवाजी का मौका दिया और ये अच्छा लगा कि आप आई और मेरे घर पे इधर तशरीफ लाई। मैं आपको वेलकम कहता हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन आप तो खुद, हम आपको वेलकम कहते हैं इस्लामाबाद में। लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ आपने सफ़र किया है, ये कैसा लगा है? दोनों शहरों का फ़र्क देखें, बुनियादी तौर पर दोनों पाकिस्तान के शहर हैं। वो प्रोविंशियल कैपिटल है लाहौर और मेरा होम टाउन है, और इस्लामाबाद जो है वो हमारा ज़ाहिर है हमारा एक दारुल खिलाफा है पाकिस्तान का। तो दोनों ही मेरे शहर हैं, और लेकिन चूंकि जो आपका एक नेटिव होम टाउन होता है उसके साथ आपकी बचपन और जवानी गुजरी होती है, और फिर आप वहाँ पर इलेक्शंस लड़ते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आपकी वहाँ पर चल रही होती हैं, तो ऑब्वियसली उसके साथ अपना एक लगाव है। और इस्लामाबाद जो है वो बड़ा ज़बरदस्त शहर है, यहाँ पर एनवायरनमेंट बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पर ग्रीनरी है, पहाड़ हैं, प्लेन एरिया है, वो सारा कुछ इस्लामाबाद में मौजूद है। अच्छा, अपने आम आप के बारे में जानना चाहेंगे कि किस फैमिली से ताल्लुक, कैसे सियासत में आना हुआ, क्यों आए? फैमिली तो ज़ाहिर है हमारी खोखर बरदरी से हमारा ताल्लुक है, और लाहौर के सदियों से वहाँ पर हमारी जो ये खोखर ट्राइब बैठा हुआ है, और पिछले 500 बैक हमारे जो बुज़ुर्ग जो थे वो यहाँ पर आके सेटल हुए थे, और हमारा मज़ाफ़ाती एरिया जो था वो लाहौर का, जिसको जहाँ पे हमारे गांव थे और वहाँ पे हमारी ज़मीनें भी थीं, और बुनियादी तौर पर एग्रीकल्चरल जो है बैकग्राउंड है मेरा, और हमारी जो लाहौर का रूरल एरिया है वहाँ से जो है वो हमारा ताल्लुक़ है, और वहीं पर हमारे गाँव थे। तो वहीं से ज़ाहिर है सियासी तौर पर तो जो एक पॉलिटिकली जो है वो थ्रू आउट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारी फैमिली जो है वो पॉलिटिक्स में रही है, और जब से पाकिस्तान बना है तब से। लेकिन इसके अलावा भी कोई और बिजनेस, कोई और कारोबार, ज़मींदारी के अलावा, ज़मींदारी और सियासत के अलावा भी कोई कामकाज है? ये ज़मींदारी के अलावा और एक ज़ाहिर है एक अर्बनाइजेशन जो हुई है उसमें फिर रियल एस्टेट का काम जो है वो मुख्तलिफ जो कैपिटल सिटी दिया जो बड़े शहरों में वहाँ पर फ्लरिश हुआ है, तो वो भी एक मेरा फैमिली बिजनेस है, उसको भी जो हम देखते हैं। और बाकी ये है कि खोखर साहिबान का जिक्र तो मुस्लिम लीग नून के साथ ताल्लुकात के हवाले से भी लाहौर में बहुत ज़्यादा होता है, तो वो कोई और सेगमेंट है आपकी फैमिली का? जी वो बेसिकली वो मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, और हमारी एक ज़ाहिर ट्राइब और हमारी बरादरी तो एक ही है, और वो ज़ाहिर है एक ही हमारा बैकग्राउंड तो एक ही है, के वो एक ही गांव से हमारा ताल्लुक है। तो लेकिन यह कि वो सोच का फ़र्क है, और प्लस ये कि वो पॉलिटिकल एफिलिएशंस का फ़र्क है, वो बिलीव करते हैं अपने स्टाइल से जो उनका पिछले हुकूमतों का रहा है, हम बिलीव करते हैं कि जहाँ पे करप्शन ना हो और जहाँ पे लोगों का खून ना पिया जाए। तो खोखर वर्सेस खोखर फिर कितना मुश्किल होता है? जी मुश्किल होता है, क्योंकि इस पर यह है कि बहुत सारी निटिंग ऐसी हुई होती है बरादरियों में, बहुत सारी रिश्तेदारियाँ जो हैं वो सांझी होती हैं, तो उस हवाले से समटाइम्स प्रॉब्लम आ जाता है रिश्तेदारों में, बहू बेटियों में, माओं में, सासों में, वो इतनाज़ा आ जाता है। तो रिश्तेदारी जीतती है या सियासत जीतती है? ये असूल जीतता है, जो
हमारे अप्रोच के मुताबिक हमारे साथ चलते हैं, उनको हम वेलकम कहते हैं और हम लोगों को परसू करते हैं कि ये एक पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान को एक अच्छा एक बढ़ता हुआ मुल्क ग्रोथ के साथ हम देना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन के मुताबिक। सियासत ना कर रहे होते तो क्या कर रहे होते हैं जी? ये बहुत मुश्किल सवाल है। मेरा सियासत में आना वो एक बड़ा ही एक्सीडेंटल था, ड्रामाई था। कैसे था और क्यों था? वो इस तरह से था कि चूंकि फैमिली तो पॉलिटिक्स में थी, 2002 की असेंबली में चूंकि एक आपको पता है कि परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, वो इस वक्त वो सदर थे, तो उन्होंने एक शिक डाली थी कि जी ग्रेजुएशन ज़रूरी है, तो वो एक समझे कि पढ़ाई मेरे काम आ गई। हालांकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि पढ़ाई में, चूँकि इतना ज़्यादा मैं वो बुक वर्म भी नहीं था, लेकिन वो मेरे मुझे तो बड़े सूट की वो पढ़ाई जो थी वो ग्रेजुएशन की बेस पर। फिर जो है ना, फिर मैंने फैमिली ने कलेक्टिवली जो है वो मुझे फिर कहा कि आप इलेक्शन लड़ें, तो उस वक्त फिर क्रामर साहब नहीं लड़े थे, तो फिर मैं इलेक्शन लड़ा। इस वजह से वो असेंबली जो थी उस वक्त बहुत सारे ऐसे नौजवान आए थे जो कि अपनी अपनी एजुकेशन की बेस पर। लेकिन कितने एम्पावर्ड थे आप? आए ज़रूर थे लेकिन आपके वो बुजुर्ग जो कि नहीं कंटेस्ट कर सके थे शर्त की वजह से, सुनने में ये आया था कि कंट्रोल उन्हीं का होता था हमेशा। ये बात ठीक है किसी, बल्कि बहुत हद तक ठीक है कि ये जो किसी भी फैमिली के जो जो बुजुर्ग होते हैं, जहाँ पर फैमिली की नॉर्म्स होती हैं, वहाँ पर उनका एक पोलिटिकली जो है वो एक होल्ड ऐसा, मतलब हल्के में आप कह सकते हैं, पार्लियामेंट में और अपने इंडिपेंडेंट माइंड में तो आप ज़ाहिर अपना रोल भी अपने प्ले करना होता है, बट यह है कि चूंकि वो कनेक्शंस होते हैं ट्राइब के साथ, लोगों के साथ, ब्रादरियों के साथ पुरानी दोस्तियां होती हैं, धड़े होते हैं, तो उस हवाले से उनको जेल करने में इट टेक्स टाइम। ये मेरी वाइफ हैं। अच्छा माशाल्लाह, ठीक है। तो आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि ये लाहौर आने का जो फैसला है ये एक तरफा था या आपकी भी इन्होंने राय मांगी थी, या आपको कह दिया गया था कि चलो चलो? नहीं, ऐसा तो नहीं है, और मतलब लाजमी मेरे से पूछा ही था, और जाहिर है कि घर में फादर के बगैर बच्चों के साथ अकेले रहना, अब इनका ज़्यादातर टाइम इस्लामाबाद में ही गुजरता है, तो फिर ऑब्वियसली मतलब इतना ज़्यादा निगलेक्ट होना था फैमिली ने, तो मुझे यही बेहतर लगा। इन्होंने जब मेरे से पूछा तो मैंने कहा जी ठीक है। बहरहाल ये था कि बच्चों का और मेरा अपना जो लाहौर में जो चीज़ें थी जी, वो तो कितना मिस करती हैं लाहौर को। मिस तो बहुत ज़्यादा करते हैं ऑब्वियसली, जो आपकी बर्थ प्लेस हो और जहाँ पे फिर फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, तो फिर कहीं पे जाकर एडजस्ट होना, नए सिरे से चीज़ें करना। लेकिन वही बात कि मदर के लिए घर और फिर फादर का बच्चों के साथ होना, देन इट्स ओके आफ्टर 3 or 4 months। राइट नाउ आई एम ओके विद इस्लामाबाद नाउ। किसका घर में कौन MNA है, घर में किसका कंट्रोल है, कौन MD है? MD ऑब्वियसली घर में तो जाहिर है मेरी ही सुनी जाएगी, आपकी हुकूमत है जी। मेरी आप भी जानती हैं, बीइंग अ फीमेल के घर में मतलब आप जितने कॉर्नर्स जानते हैं तो उसमें तो फिर औरतों की सुनी जाती है। नाम सुना जाए ना मलिक ज़हीर अब्बास खोखर, और इनके साथ वक्त ना गुजारा हो तो लगता है कोई बड़ी खौफनाक किस्म की शख्सियत होगी, जरा डर सा लगता है। तो आपको कभी इन्होंने रोब कोई इस तरह की कोई मामला हुआ हो कि आप भी इनके रोब में आई हो, या डर लगा हो आपको भी? नहीं, मतलब ये तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा तबीयत इनकी जो है वो गर्म मिजाजी की तरफ है, शायद पॉलिटिक्स में है और उसके बाद फिर मतलब डीलिंग में है, तो कभी कभार भूल जाते हैं ये भी पोलाइटली बोलना घर में इनका जो रवैया। लेकिन फिर वही बात के फिर आप कैसे याद दिलाती हैं कि ये घर है, यहाँ मेरी हुकूमत है, ये आपका बैतुल माल नहीं है जहाँ पे आप MD हैं? देन आई बिकम साइलेंट, और फिर देख लेते हैं, ये समझते हैं कि मैं भी घर में हूँ, बाहर नहीं हूँ। ठीक है, सो खामोशी की जबान समझते हैं। मलिक साहब, ये तो बड़ी, वो शोहर हमेशा कामयाब रहता है जिसे बेगम की खामोशी की जबान समझ में आ जाती है। बिल्कुल, ये बात ठीक है। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ एंड योर सक्सेस, आपकी जो कामयाब जिंदगी है उसका राज क्या है? उसका राज मैं तो ये समझता हूँ कि कामयाबी तो एक मुसलसल अमल है। बेसिकली कामयाबी जो है वो दुनियावी चीज़ों का नाम नहीं है। मेरे अब मैं जिस नतीजे में पहुँचा हूँ, ये आपके ज़िंदगी को किस तरह आप देखते हैं, आप कुछ ना हासिल करके भी कामयाब हो सकते हैं और आप सब कुछ हासिल करके भी नाकाम रहते हैं। वाह, बड़े फिलॉसफी, ये शुरू से ही फिलॉसफर थे। ये इनकी वजह से हूँ। थोड़ा लिखती भी हैं और थोड़ा पोएट्स भी हैं ये। अच्छा वाह माशाल्लाह, तो हम तो आपसे शेर सुनना चाहेंगे फिर कोई कोई। सच मैं, मुझे रिमेम्बर अपने नहीं होते हैं, 3 जुबानों में मैं मतलब फिल बदी किस्म की शायरी करती हूँ,
और कोई इनके दुख में कोई शायरी आपने की हो तो उसमें हमें ज्यादा दिलचस्पी होगी। गुस्से में हो सकती या दुख में नहीं हो सकती। कितना रोल और किरदार इनका बच्चों की स्कूलिंग में, उनकी तरबियत में, क्वालिटी टाइम में कितना होता है? क्वालिटी टाइम आप कह सकते हैं कि कभी खाना रखें या किसी बच्चे का बर्थडे हो या जहीर साहब का अपना बर्थडे हो तो कभी बाहर आउटिंग पे चले गए, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं या बच्चों की ट्रेनिंग में। जो पॉलिटिशियन होता है, आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आप जानते हैं, वो कितना टाइम दे सकता है। बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान में तो वैसे भी मर्द बहुत बिजी रहता है। खैर, मैं टारगेट होने लगा हूँ तो इससे पहले कि और ज़्यादा टारगेट हूँ तो प्लीज़ नाश्ते में। अच्छा जी, तो माशाल्लाह से चार बच्चे, तारुफ कराएंगे? जी, ये मेरी सबसे बड़ी बेटी हैं हुरैन फातिमा, और ये शामीर अब्बास हैं, ये बड़े बेटे हैं। उसके बाद मोहम्मद शाह वली अब्बास हैं, ये सेकंड जो मेरे बेटे हैं, और ये मेरी स्वीट डॉटर ये हल मलिका हरीम ज़ारा। हाँ, बिल्कुल सही। सो हाँ। कौन फेवरेट है अब्बा का? अब हुरैन। एंड अम्मा का? अम्मा का तो फिर अम्मा ही बताएंगी। अम्मा का फेवरेट बच्चा कौन सा है? शी इज टेलिंग शामीर अब्बास। शामीर अब्बास, वेरी गुड। तो अम्मा और अब्बा के फेवरेट्स की आपस में कितनी बनती है? I'd say के अच्छी बनती है आपस में, मतलब मैं माँ के साथ काफ़ी कनेक्ट कर पाता हूँ और हुरैन भी जो चाहती है वो बाबा को बता सकती है। तो I'd say के काफ़ी बनती है। एक्चुअली काफ़ी बनती है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी आपस में झंग नहीं होती। दे आर गुड फ्रेंड्स, दे आर गुड, बोथ आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है। अच्छा शामीर, मतलब आपका भी सियासत में आने का इरादा है? मैंने कभी सोचा नहीं इसके बारे में, लेकिन इंटरेस्ट मेरा है और मैंने सोचा है कि शायद आगे जब मेरी मच्योर एज, जो 40-45 की एज में मैं शायद एंटर होने की कोशिश। बड़ा लेट मच्योर हो रहे हो। आजकल तो बच्चे कहते हैं हम तो 10 साल की उम्र में ही मच्योर हैं। हाँ नहीं, मेरा मतलब उस सेंस में मच्योर, मतलब जिंदगी के दौर में जब मैंने सारा एक्सपीरियंस कर लिया हुआ। बंदे को अर्ली एज में अगर वो जाए तो वो थोड़ा शामीर इज मैच्योर माशाल्लाह। ये कह रहा है कि आई विल वेट। नहीं, ये वैसे अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं, ऑब्जर्व की हैं कि मैं कभी सियासत में या कभी और ज़िंदगी के मसाइल, क्योंकि मतलब ये अल्लाह के मुझे करें कि मैं इससे कभी डिस्कस करता हूँ तो ये मुझे बड़ी अच्छी ओपिनियन देता है, मुझे बाहर से भी नहीं मिलती और मुझे बड़ों से भी नहीं मिलती जो ये खास इसमें है। जैसे कि तो जनाब वली साहब, आपका क्या सूरत हाल है फिर? आप तो पिस जाते होंगे, एक तरफ अब्बा का फेवरेट, एक तरफ अब्बा की फेवरेट, दूसरी तरफ अम्मा की फेवरेट। हाँ, तो बीच में वली की कोई सुनता ही नहीं होगा? नहीं, वो लोग सुनते हैं, यू नो ऑब्वियसली वो बड़े अच्छे पेरेंट्स हैं और एंड आई थैंक देम फॉर दैट, पर आई गेस ये इस इंटरव्यू के बाद कोई मतलब फाइट्स होंगी। अच्छा, सो यू आर वेरी पॉलिटिकल, वेरी गुड, वेरी गुड, यू नो हाउ टू रेज योर पॉइंट। तो ये आपको इग्नोर करना मुमकिन नहीं है उनके लिए, है ना? अच्छा जी, तो फिर क्या, कौन ज़्यादा डांटता है अम्मी अब्बा में से? मैं कहता हूँ मामा ज़्यादा डांटती हूँ, बिकॉज बाबा, हाँ बाबा भी ऑब्वियसली डांटते हैं, पर लाइक वो मतलब वो ज़्यादा सॉफ्ट वॉइस में एक्सप्लेन करते हैं ना, लाइक इतना डांटते नहीं, पर मामा जो हैं वो लाइक थोड़ा सा कभी कभार इरेशनल हो जाती है। ये हर मामा से बच्चों को ये एक जैसा शिकवा, मेरे बच्चे भी मुझे यही कहते हैं कि मामा आप जो है ना इरेशनल हो जाती हैं। सही, ठीक है। एंड हाउ अबाउट यू ज़ारा जी, आप तो मुझे लगता है अब्बा ने कह तो दिया है कि हुरैन मेरी फेवरेट है, मगर असल में आप जी जो हैं वो ले जाती होंगी हुरैन की जगह भी, है ना? नहीं, डांट कितनी पड़ती है आपको? सबसे कम डांट पड़ती होगी आपको? नहीं, किसको डांट ज़्यादा पड़ती है? वली को? नहीं, ठीक। मुझे किस बात पर पड़ती है ज़्यादातर? जब क्लास होती है तो किस बात पे होती है? पढ़ने पे, इल डिसिप्लिन होने पे, कपड़ों पे? कपड़ों पे, क्या आप कपड़े ठीक नहीं पहन रही?
आपने इस्लामाबाद में सर्दी है, आपने जैकेट नहीं पहनी हुई? नहीं, लाहौर में। लाहौर में सर्दी होती है? अम्मा की शिकायत बहुत ज्यादा आ रही है यहाँ पे। यू बेटर नो कि जब ऐसे साहब ज्यादा प्यार करेंगे तो फिर एक साइड को तो देखना होगा ना बच्चों को। हाँ, तो फिर आपको नहीं लगता कि इस तरह से आप पॉलिटिकली लूज कर रही हैं? मतलब इट्स फैमिली, मतलब कि यहाँ पे पॉलिटिक्स मेरा ख्याल है इग्नोर कर देना चाहिए। तो आउटसाइड मतलब देन मैं स्पेयर करती हूँ, जैसे वली बोला है कि बाद में फाइट्स होंगी, फिर वहाँ पे डिप्लोमेटिक किस्म का रवैया हो जाता है। लेकिन घर में मैं स्पेयर नहीं करती कि जहीर साहब का अगर टाइम नहीं है तो मैं बच्चों को किसी भी हवाले से मतलब कि ऐसी हो जाए चीज़ के बाद में एज ए पेरेंट्स हमें ये चीज़ हो कि जी टाइम नहीं था तो हम अपने बच्चों को कुछ बताने से रहे हैं या कुछ ट्रेनिंग ठीक तरह से नहीं कर सके। कितना ज़रूरी है कि ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना, ये करना है ये नहीं करना? आई थिंक बैलेंस होना चाहिए हर चीज़ में, ऑब्वियसली तो है इन एक्सटेंट। तो पढ़ाई तक और जहाँ तक काम करने की बात है, आई थिंक देयर शुड बी लाइक अ डिफरेंस ना। यू कैंट ओवरवर्क एनीथिंग। आपने लेकिन ये जरूर कहते हैं कि जिंदगी में डिसिप्लिन कैसे लेके चलना है। अच्छा, क्या फायदे हैं अब्बा के पॉलिटिक्स में होने के? एंड व्हाट आर द लॉसेस? लॉसेस तो आई कुड काउंट अ लॉट ऑफ देम। ठीक है, क्या क्या? जैसे कि इतना टाइम नहीं यूजुअली मिलता, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट, और तो चाइल्डहुड में शायद ज़्यादा होता था बिकॉज वी रियली रेयरली गेट टू सी हिम, बट नाउ अब इसी वजह से उनके साथ मुझे शिफ्ट हुए हैं, वी गेट सम टाइम विद हिम। और दूसरा ये पॉइंट होगा दैट अनदर लॉस दैट शायद वो थोड़ा सा आपको बाहर एक जो पोलिटिकल फेस रखना पड़ता है, तो आई थिंक यू सॉर्ट ऑफ गो इन टू कैरेक्टर, तो उस चीज़ शायद घर में भी आ जाती है कभी कभार, जहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट इंसान को करना पड़ता है। बाकी गेन्स भी बहुत ज़्यादा हैं कि आई वुड से ही इज़ रियली मैच्योर एज अ पर्सन। जब मैं उनकी तरफ देखती हूँ, रियली इंस्पायर्स मी। तो जस्ट बिकॉज ही नोज अ लॉट अबाउट द वर्ल्ड, तो फिर उनको देख के मुझे भी काफ़ी पता चलता है दुनिया ऐसी चलती है, और यू नो बेसिकली एक इंटरेस्ट मेरा भी बन गया है इस चीज़। ठीक है, माशाल्लाह बहुत समझदार बच्चे हैं आपके। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बड़ा टफ होता है इंटेलिजेंट बंदे को कंट्रोल करना, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है जो। हाँ, तो ये बिल्कुल, ये वैसे तो ये बाप के दिल में अल्लाह ताला ने नेचुरल एक चीज़ रखी होती है औलाद के लिए, तो उस हवाले से ये बड़े सपोर्टिव हैं बच्चे। इन्होंने कभी नहीं कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे, मतलब आई मीन के हालांकि फरमाइशें होती हैं। हाँ, फरमाइशें नहीं है सच, देखें वो हुरैन माशाल्लाह बड़ी पढ़ाई में भी ठीक है और स्कॉलरशिप ज़ाहिर है इसने भी ओ लेवल में लिया है अभी ए लेवल में, और शामीर बड़ा सपोर्टिव है, दोनों बच्चे छोटे भी सपोर्टिव हैं। तो बाकी ये कि एक नेचुरल जो बाप का बच्चों के साथ लगाव होता है वो अल्लाह ने एक ऐसा सिस्टम बनाया, और बड़ा माशाल्लाह बड़े अच्छे ट्रेनिंग की है इनकी वालदा ने, और इनको बहुत सारा इनको इनके चेक भी रखती हैं। मैं चेक नहीं रखता, मैं बल्कि इनको सपोर्ट करता हूँ, अगर कभी इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी कर जाते हैं जो कि डिसिप्लिन को तोड़ रही होती हैं तो फिर मैं इनके साथ हो जाता हूँ। ठीक है, तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पांचवा फर्द बन जाऊँ कि आप इनको अम्मा से बचा सकें। बचा सकें तो उसमें मैं बाज़ वक़्त खुद भी जद में आ जाता हूँ, बट ये कि वो फिर ये करना पड़ता है। बाज़ वक़्त तो नहीं, आप ही जद में आते होंगे क्योंकि अच्छा, तो फिर ये बताइएगा कि अक्सर हमने देखा है कि जो लोग ताकतवर होते हैं, पैसे वाले होते हैं, बच्चे उनके बड़े स्पॉइल्ड हो जाते हैं, बाज़ औक़ात बड़ी अजीबोगरीब जैसे कार्रवाइयाँ या सामने आती हैं, मंजर आम पे आती हैं, किसी ने कोई गन उठा ली, किसी ने कोई गाड़ी तेज़ चला ली, तो कैसे आप मैनेज करती हैं फिर इन तमाम इश्यूज़ पे कि टीनेज में माशाल्लाह बच्चे हैं बट दे आर सो वेल बिहेव्ड? एक्चुअली ऐसा है कि मैं अपने बच्चों के साथ मैंने टाइम रखा हुआ है कि हुरैन बेटा आज मुझे आपसे ना किसी टॉपिक पर बात करनी है, तो देन फिर ऐसी चीज़ें जो कि आप देखते हैं कि हम लोग एडल्ट सोसाइटी में देख रहे हैं, आप देखें ये मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पे कैसी चीज़ें आ रही होती हैं, देन फिर मैं एक टॉपिक चूज़ कर लेती हूँ इन बड़े जो दोनों हैं इनको इकट्ठा करके, फिर अब आप ये क्या कहते हैं इस खबर पे, जैसे कि लास्ट टाइम गर्ल्स का आप देखते हैं फ्रेंडशिप बनती हैं टीनेज दौर में, और अभी जो पीछे वाक्या चल रहा था तो उस मतलब चीज़ को मैंने लेकर हुरैन को बिठाया, शामीर को बिठाया, बेटा बताएं आप ये चीज़ें ठीक हैं,
तो देन मतलब सोच के सारा देखने के बाद कि नहीं मामा ये चीज़ तो ठीक नहीं है, फिर आप लाइफ में इसको कैसे लेंगे जी, हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, ये होना चाहिए लेकिन इस तरह होना चाहिए, मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जिन पे मतलब कि मैं अपने बच्चों को हफ्ते में जी बिल्कुल डिबेट करती हूं। बिल्कुल शामिर फरमाइशें नहीं करते आप कि मुझे गाड़ी जो है ना वो वैसी चाहिए, अब मुझे पॉकेट मनी इतनी चाहिए, मुझे फला गिफ्ट चाहिए? नहीं ऑब्वियसली फरमाइशें तो हर बच्चा करता है, मैं भी करता हूँ, लेकिन आई ट्राई टू कीप इट अंडर कंट्रोल। अब तो मुझे फील होता है कि मेरी कैसी एज आ गई है कि अगर मुझे बाबा से कुछ मांगना पड़े तो शर्म आती है। ये सेंस आपने कैसे दे दी है बच्चे को? बच्चे तो जवान हो जाते तभी कहते हैं हमारा हक नहीं है। नहीं ये चीजें जो है ये अल्लाह का करम है मुझ पर। दिस सेल्फ रिस्पेक्ट इज अ ब्लेसिंग, ये बहुत कम बच्चों में होती है। नहीं ये अल्लाह का करम है। सारे चाहते हैं कि हमें वर्किंग आवर्स मिले, हम अर्न करें जिस तरह के बाहर के कंट्रीज में। ये बिल्कुल सही कह रही हैं, इनका यही है कि ये खुद से एक काम करना चाहते हैं कि हम खुद से अर्न करें और खुद से अपने पाँव पे खड़े हों। ये मुझे किसी पॉलिटिकल मिसयूज नहीं किया इन्होंने, मुझे मेरे नाम को या पॉलिटिकल पावर को इन्होंने कभी मिसयूज नहीं किया। बच्चों को देख के लग ही नहीं रहा मैं किसी पॉलिटिकल फैमिली के बच्चों से मिल रही हूँ, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की जो एक मेजॉरिटी अवाम है, जो वर्किंग क्लास है, जो जो स्ट्रगल करने वाले लोग हैं, ये वहाँ पे ये सोच होती है कि हम खुद से कुछ करें। है ही ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये कोई स्ट्रगलिंग क्लास से ही हमारा ताल्लुक है, और फिर उसके अलावा ये है कि क्योंकि हमारी लीडरशिप जो है वो भी दायर है और स्ट्रगलिंग एक फेज से गुजर के आई है, तो एक नेचुरल एक हमारा इमरान खान के साथ एक उनकी स्ट्रगल और उनके विजन के मुताबिक, क्योंकि हम भी उसी फेज से गुजर रहे हैं या गुजरे थे, तो ये और सिस्टम भी पाकिस्तान में ऐसा ही हम लाना चाहते हैं कि जो स्ट्रगल करे वो ऊपर आए, और जो एक एक रॉयल स्टाइल है वो उसके तो जाहिर है हमारी ना ही पॉलिसी है, ना ही हम रॉयल हैं, ना ही कोई ऐसा कोई चीज़ हमें है कि हम कहें कि वैसे भी इदारे वो पुराने दौर थे, अब नई दुनिया, अब जो करेगा वही आ गया। शामिर कितनी जंग होती है घर में? जंग से क्या मुराद? जंग से मतलब जंग लड़ाई अम्मा अब्बा की, दो ही तो सुपर पावर्स हैं यहाँ पे। जिस जगह पे भी दो सुपर पावर्स हो वहाँ जंग होती होती है, और हर घर में दो सुपर पावर्स होती हैं, हर घर में जंग होती है। हाँ नहीं ये तो है, ऑफन होती है लेकिन इतनी बुरी भी नहीं। इतनी बुरी नहीं। सीज़ फायर किस तरफ से होता है हुरैन? आपके साथ बात करते हुए, और ये बच्चे भी माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं, और आपकी प्रेजेंस जो है वो हमारे लिए बड़ा अच्छा हमें फील हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो मुझे तो आपसे मिलना बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आज फिर आपके बाबा पता है बहुत मसरूफ़ होते हैं, मेरा ख्याल है सर आपने हमें पनागा भी लेके जाना है, लंगर खाना। बिल्कुल जी, अभी काफ़ी टाइट शेड्यूल है और दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि अब चलते हैं पनागा विजिट करते हैं, फिर उसके बाद ऑफिस के जो ये शेड्यूल है उसको देखना होगा मुझे, और काफ़ी हेक्टिक है। सो सी यू इंशाल्लाह, गुड लक आप सब लोगों को। थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा तो ये रजिस्ट्रेशन रूम है जी? फरा बिल्कुल ये रजिस्ट्रेशन रूम है, और जैसा कि ये हमारा नुमाइंदा देख रही है, डाटा एंट्री ऑपरेटर यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इनके पास ये इनका जो थंब प्रिंट लेने के लिए बकायदा तौर पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मौजूद है, ठीक है, कंप्यूटर इनके पास है, ये मशीनरी इनके पास है, और जब ही कोई क्लाइंट आता है या कोई बेनिफिशरी आता है तो वो आके सबसे पहले इधर अपना CNIC देता है इनको डाटा एंट्री ऑपरेटर, यानी जिसके पास शनाख्ती कार्ड ना हो वो नहीं रुक सकता लंगर खाने में। वो रुक नहीं सकता, बाकी खाना तो वल्लाहु खैरुन राज़िकीन, खाने के लिए हम नहीं वो रखते, वो प्राइम मिनिस्टर साहब की भी ये हिदायत है कि अगर कोई खाना खाने आता है तो उसको खाना खाने में ये स्ट्रिक्ट पॉलिसी ना रखी जाए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इशू भी होता है, इस वजह से जो CNIC सही होना ज़रूरी है, हमारी पॉलिसी का हिस्सा। यहाँ पर ये इनको वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देते हैं, जिसने स्टे करना है ये उनको उनका ID कार्ड रख लेते हैं, और यहाँ से कोई जैसे फर्ज किया कोई मिस्टर ए आता है
तो वो अपना कहता है मैंने स्टे करना है, तो उसकी CNIC लेके ये अपने पास कैरी कर लेंगे और इसको बेड नंबर ये उतार के या फिर उनका ID कार्ड लगा देंगे और यहाँ से बेड नंबर उनका जो है वो उनको दे देंगे। ये हॉल लिखा हुआ है, हॉल के साथ बेड नंबर 35 है। अब बेड नंबर 35 पे वो बेनिफिशियरी जाएगा, वहाँ पर वो जाके तो अपने बेड को वो वहाँ पर उसके सोने का इंतज़ाम होगा और इसका ID कार्ड जो है ना यहाँ पर प्लेस कर दिया जाएगा। जब वो सुबह उठेगा तो अपना ID कार्ड ले जाएगा और ये वापस यहाँ पर रिटर्न। अच्छा, ये हर रोज़ ये प्रोसीजर होता है, लेकिन जो लोग ऐसे भी हैं जो मतलब लंबे स्टे करते हैं, फर्स्ट किया 2 हफ्ते 3 हफ्ते महीना 2 महीने, ये डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी है। मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर हम करते हैं और उस पर ये होता है कि जी अगर कोई आ रहा है, और वैसे तो 3 दिन की पॉलिसी है कि 3 दिन यहाँ पर स्टे हो सकता है 1 महीने में। मतलब अगर कोई रेगुलर आ रहा है वो 3 दिन रेगुलर आ सकता है, फिर उसके बाद ये है कि वो उसके बाद कोई न्यू कमर आता है हम उसको एंटरटेन करेंगे, लेकिन अगर स्पेस मौजूद है हमारे पास तो हम उनको मना नहीं करेंगे। कितनी स्पेस है ये? 100 लोगों के लिए है, ये 100 बेड्स हैं जो कि 100 लोग यहाँ पर सो सकते हैं रात को। हम देखते हैं कि वो फैसिलिटी कैसी है। ये जैसे अब हम बाहर आए हैं, बाहर आके ये हमारा देखें ये पार्क वर्क भी मेंटेन किया हुआ है, सफाई पे लोग लगे हुए हैं, और इसके साथ ही जब वहाँ पे जैसे मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन रूम है, रजिस्ट्रेशन रूम से जो हमारा बेनिफिशरी है वो जब आता है तो वो ये हमारा हॉल में एंटर हो जाता है। हॉल में एंटर होने के बाद ये देखते कि आप देख रही हैं कि ये बेड्स लगे हुए हैं, ये 100 बेड्स हैं और इनकी डेली सफाई सुथराई होती है। अच्छा, तो ये 100 लोगों के लिए? हाँ जी, ये 100 लोगों के लिए है और यहाँ पर ये देख रही हैं आपके जो भी कोई बेनिफिशरी आता है उसकी ज़रूरत की चीज़ यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ पर जब वो आएगा अपना कार्ड उसके पास होगा और ये देखेगा कि एक सोप और उसके साथ मसवाक, ताकि उसकी सफाई सुथराई हाइजेनिक चीज़ें जो है ना उसको हम इंश्योर करें, वो यहाँ पर आके ये उसी के लिए हैं, एक बंदे के लिए सोप भी उसका है और मसवाक भी उसकी। और ये बेड हैं, ये चादरें हैं, ये इनकी इनको रेगुलर जो है इनको वॉश किया जाता है, इनको बाद में इनको जो है ड्राई किया जाता है और बड़े अच्छे तरीके से इनको मेंटेन किया जाता है। गर्मी और सर्दी का भी पंखे तो लगे हुए हैं? जी एग्जैक्टली, पंखे लगे हैं, वेंटिलेशन सिस्टम यहाँ पर इसको इंश्योर किया जाता है, क्योंकि जब एकदम 100 लोग आते हैं तो वो ज़ाहिर है सर्दियों में तो वो चल जाता है, लेकिन हमारा जो मुल्क है वो ज़ाहिर है तमाम वेदर एक्सट्रीम वेदर आते हैं, जैसे सावन है फिर भादो है, वहाँ पर हबसों का एक आलम होता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये फैंस हैं, फिर खिड़कियाँ हैं, फिर उसके बाद ये बड़े फैंस लगाए गए हैं ताकि वो हब्स बाहर निकले और फ्रेश एयर जो है वो अंदर आए। इसके साथ साथ हमने जैसे कि ये तमाम जो लोग हैं उनके लिए हमने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं ताकि वो अपना पढ़ें और उसके साथ अपनी जो भी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक यहाँ पर स्टे करें। इसमें एक बड़ी मुझे इंट्रीक कर रहा है कि जिनकी तबीयत ख़राब हो रही है फौरी तौर पे फर्स्ट एड रूम से रब्ता करें। फर्स्ट एड रूम भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो हम चलते हैं तो फर्स्ट एड रूम जहाँ पर एक मशीन लगी हुई है और वो उन तमाम चीज़ों को कैटर करती है। और यहाँ से जब सुबह उठते हैं जो हमारे बेनिफिशरीज हैं यहाँ पर आते हैं, ये वाशरूम्स हैं, साथ बेसिन लगे हुए हैं और इनका प्रॉपर जो है सफाई की सुथराई का प्रॉपर ख्याल किया जाता है। जब भी एक बेनिफिशरी आता है उसको हम पहले ट्रेन करते हैं, आई मीन के दायर है मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं, मुख्तलिफ कल्चर से लोग आते हैं। फुल्ली फंडेड जो है गवर्नमेंट का, इसमें कोई और मतलब प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है? कोई प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है किसी के साथ। ये तमाम तर जो स्टाफ है जो यहाँ पर जो एक किसी भी पनागाह में वो बैतुल माल का वो स्टाफ है वो स्टेट पाकिस्तान, लेकिन यहाँ पे बिजली भी इस्तेमाल होती है गैस भी पानी भी और हर चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। और हमारा तो ये सब चीज़ें इनकी स्टेट बड़ी बेयर करती है, स्टेट बेयर करती है, इसके बिल्स जो हैं वो स्टेट देती है, बैतुल माल वो इसका बिल देता है। और इस पर जो है वो बाज़ औक़ात जो हमारे MOU साइन हुए हुए हैं वो हमारे मुख्तलिफ डोनर एजेंसी डोनर जो लोग हैं उनके साथ साइन हुए हैं खाने के, या वो फिर हम उनसे खाना लेते हैं। इधर से हम जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था कि बल्कि आपने मुझे क्वेश्चन किया था कि फ़र्स्ट एड का अगर कोई यहाँ पे अरेंजमेंट है कि नहीं है, तो ये हमारा रूम है जहाँ पर ये फ़र्स्ट एड मशीन जो है इसको रखा गया है। और यहाँ पर कोई भी ऐसी किसी बेनिफिशरी को कोई रात को या कभी उसको कोई ऐसा इशू हो जाए तो उसको फ़ौरन हमारा जो अटेंडेंट है उसको इस मशीन के सामने उसको रख देता है। यहाँ पर उसका इमीडिएट उसको जो भी उसका इशू है उसका पता चल जाता है, और अगर शुगर लेवल बढ़ा है तो उसका पता चल जाएगा, ब्लड प्रेशर का पता चल जाएगा, या कोई उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया उसका पता चल जाएगा, कोई भी ऐसी इमीडिएट इमरजेंसी उसको रिलीफ भी यहाँ दिया जाता है। और अगर फर्स्ट किया देखें ना, ये एक फर्स्ट एड किट भी पड़ी हुई है। और अब हम यहाँ लंगर खाने की तरफ जी, अब हम लंगर खाने की तरफ, टाइम भी लंगर का हो गया है। अच्छा, कितनी टोटल पनाह गाहें इस वक्त पूरे मुल्क में मौजूद हैं?
इस वक्त फरा हमारे पास 25 पनाह गाय हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में फंक्शनल हैं, ऑपरेशनल हैं और दूर अफ्ताद मुकाम जैसे क्वेटा, बलूचिस्तान के, ये तो क्वेटा, पिशावर और ये तो है ना प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं। आपको मैं बताऊं कि हमारे जो पनाह गाय हैं वो इससे भी ज़्यादा जो दूर अफ्तादा एरियाज़ हैं वहाँ पर मौजूद हैं, जैसे कि मतलब KPK में आप देख लें, मतलब बहुत सारे ऐसे स्वाबी डिस्ट्रिक्ट हो गया, बहुत सारे डाउन ट्रेडन जो सिटीज़ हैं वहाँ पर हम पाए जाते हैं। फिर बलूचिस्तान में हमारे ऐसे 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 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर इंटीरियर बलूचिस्तान में जहाँ पर मतलब इवन हमारे बहुत सारे लोग हैं उनको उनके नामों का और उनका पता भी नहीं कि कहाँ पर वो सिचुएटेड हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आजम। अच्छा, कहाँ से आए हैं? शकरगढ़ से। अच्छा, तो यहाँ पे मजदूरी करते हैं जी। तो खाना लंगर खाने का कैसे पता चला? जी, मैं इधर एक महीना हो गया हूँ। एक महीना? तो एक महीने तो इतना ही खाना खाते हो जी? कैसा है खाना? बहुत अच्छा है। इनसे भी पूछते हैं। सलाम अलैकुम। क्या नाम है आपका? अब्दुल भाई जी। बाकी यहाँ से खाना खाते हैं माशाल्लाह, कामयाब करे गरीबों के लिए ना, बहुत अच्छे ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी मोहम्मद सिद्दीक। आपको लंगर खाने का पता था कि खाना यहाँ से मिलता है जी? कितनी दफ़ा खाया है यहाँ से खाना? मैं तो सोमवार से खा रहा हूँ जी लगातार, मुझे बहुत मज़ा आता है यहाँ के खाने का, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, वेरी गुड। आपका क्या नाम है? अल्लाह बख्श नाम है जी। अल्लाह बख्श साहब क्या काम करते हैं? मैं मोटरसाइकिल बाइक चलाता हूँ जी। बाइक ही चलाते हैं? अच्छा, तो ये खाना खा रहे हैं जी? खाना खा। कैसा लगता है बहुत, खाना? माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना दे रहे हैं। कोई शिकायत होती? कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं है। ये तो इमरान खान और इन लोगों का बहुत मेहरबानी है हमारे ऊपर जो हम गरीब आदमी यहाँ आके खाना खाते हैं। बचत होती है इधर जी? बचत होती है, क्यों नहीं होती? अभी अगर मैं ये बाहर से खाता तो मुझे 250 रुपए मेरे लग जाते। तो जो लोग फिर इमरान खान पर तनकीद करते हैं वो गलत हैं, अभी तक मेरे ख्याल में उनको पता नहीं है हमारे मुल्क का वो कर्जा उतार रहा है, इन लोगों को पता नहीं है। तो ये लंगर खाने का आपको बहुत अच्छा इंतजाम है, पता चला तो इधर आए, और मैं तो बैतुल माल और MD साहब और खान साहब को दुआएं देता हूँ, अल्लाह ताला इनको खुश रखे, सलामत रखे और ऐसे और भी प्रोग्राम करें। फिर जो इधर जीशान है लड़का, बहुत अच्छा लड़का है, शाम को एंट्री टाइम से करवा देता अंदर सर्दी की वजह से, और चाय मिलती है, खाना मिलता है, बहुत अच्छा इंतजाम है, बड़े अच्छा अखलाक वाले लोग हैं, यानी कोई शिकायत नहीं? बहुत कुछ, कोई शिकायत नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। आप यहाँ पनागा में भी रुक रहे हैं? हाँ जी, रुक रहे 10-12 दिन हो गए मुझे आए हुए। अच्छा, और बड़ा अच्छा इंतजाम है, इतना तो घर में भी नहीं टाइम से मिलता है। तजद के वक्त भी दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इसे आगे 5 साल और भी दे। वालेकुम सलाम। हाँ जी, आओ बुजुर्ग, आ जाओ आ जाओ, बैठो, तशरीफ रखो, बैठो बैठो बैठो। पानी वगैरह पीता तुसी? चाय सारा कुछ? चलो चलें, अपना थोड़ी दरखास्त सी, ये थोड़ा चेक जेड़ा ना वो बन चुके है, तो तुसी बैतुल माल लो जेड़ा ना वो ये थानू मुबारक है जी। ठीक है जी। बड़ी आपने लोगों की मदद के लिए बैतुल माल जो है हमेशा से कायम किया गया, आपने भी चार संभाले मेरे ख्याल रमजान में, मैंने आपको ग्रीट किया था पहले जी, दिन जी, जब आपने यू आर द फर्स्ट के जिन्होंने मुझे बुलाया उधर
पीटीवी में और वहाँ पे मुबारकबाद दी. दैट वाज माय थर्ड डे. और लेकिन उस वक्त तक बहुत पेंडिंग थे केसेस. बड़ा एक शोर मचा हुआ था कि बहुत सारे जो मुस्तहकीन हैं उनके मामला जो हैं वो अटके हुए, क्योंकि तैनाती नहीं हो सकती. तैनाती वो उसमें कोई दो ढाई माह का अरसा पहले एमडी साहब के और मेरे अपॉइंटमेंट का कुछ वो एक राय दो ढाई माह बैकलॉग निकल गया. वो फिर निकले आते साथ उसको निकाला. वो उसमें फिर उसको काफी हेक्टिक था, बट ये कि वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया था वो आते साथ ही. ठीक है. अच्छा, एक जो शिकायत लोगों को रहती है वो ये कि बाजू का ताखीर बहुत होती है. बड़े लंबे प्रोसीजर होता है बैतुल माल से अगर उन्होंने कोई भी माली मदद लेनी है, भले वो बीमारी के इलाज के लिए या किसी और सूरत में. कुछ प्रोपोगंडा है, ऐसी कोई बात नहीं है. देखें, हम इसमें कोई वेरिफिकेशन का सिर्फ एक प्रोसीजर है जिस पर कोई टाइम टेकिंग है कि हमारे जो मुतलका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं वो उनको वेरीफाई करते हैं केस को कि आया ये डिजर्विंग है कि नहीं है. बस उसके अलावा और कोई, फिर इसके साथ साथ अब तो हमने डिजिटलाइज कर दिया इसको. अब तो वो पहले ये लगता था टाइम कोई मतलब इट मेड के मतलब 15 दिन 20 दिन 25 दिन लग जाते थे क्योंकि वो मैनुअल सारी फाइल मूव होती थी. अब ये हो गया, कंप्यूटराइज्ड हो गया, डिजिटलाइज हो गया. अब कोई भी जो बेनिफिशियरी है वहाँ पे अब जो एंटर हो जाता है हमारे सिस्टम में तो वो उसका उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद वो पूरे मतलब विद इन नो टाइम वो पूरे कंसर्न जो डायरेक्टर्स हैं उन तक वो पहुँच जाता है और फिर वो मेरी अप्रूवल तक आ जाता है.